नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इसका पूरा पूरा असर निगम के परिषद सम्मेलन में साफ तौर पर देखने को मिला। विकास के मुद्दों पर सियासी बहस के साथ ही सम्मेलन में चुनावी तेवर भी देखने को मिले। देखिए एक खास रिपोर्ट। बहुमत के आधार के ऊपर कब करूंगा? केंद्रीय मंत्री न्यायालय में काम करना मैं जानना चाहता हूँ। कार्रवाई इम्पोर्टेंट विषय है, लोग गरीब लोग वहाँ जाके शादी और आपस में समझ रहे हैं। बाबू जी ने इस तरह की अगर जी हाँ, ये नगर निगम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने का सियासी सीन है जो निगम के परिषद सम्मेलन में नजर आया और विकास से जुड़े मुद्दों पर भी गर्मा गर्मी के साथ संपन्न हुआ। सांसद शंकर लालवानी के सारगर्भिक वक्तव्य के साथ सम्मेलन ने गति पकड़ी तो वहीं नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम की तलखी ने माहौल को गर्मा दिया। उसी सदन में आज जो हो रहा है और ये मेरा सौभाग्य है कि प्रजातंत्र में सबसे छोटा जो सदन रहता है वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा और आज देश के सर्वोच्च सदन में जो मौका मिला वो यहीं से मिला। तो सबसे पहले मैं सौभाग्य का इस सदन का प्रजातंत्र में इस सदन को लेकर अगर वास्तव में जन सेवा की बात करें तो आम लोगों की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका पार्षद के द्वारा हम कर सकते हैं क्योंकि पार्षद अपने क्षेत्र में विकास के मामले में और उसके क्षेत्र की जनता के सुख दुख में हमेशा साथ में खड़ा रहता है और यहीं से वो आगे बढ़ता है। तो इस बात की खुशी है कि जब मैं दिल्ली में गया था सांसद था जब पहली बार गया था तो सब आपस में चर्चा कर रहे थे कोई चार बार जीत के आया था कोई पांच बार जीत के आया था कोई छह बार जीत के आया था तो मैं भी वहाँ था उपस्थित सांसदों के बीच में तो किसी ने मुझे सहज पूछा कि आप कहाँ से हो तो मैंने उनसे कहा मैं इंदौर से हूँ। जब मैंने उनसे कहा मैं इंदौर से हूँ तो उनको बहुत आश्चर्य लगा, बोले आप उसी इंदौर से हो जो स्वच्छता में नंबर वन तीन बार लगातार कहा मैं उसी इंदौर से हूँ। तो ये जो तारीफ थी ये मेरी नहीं थी, ये तारीफ शहर की जनता की थी, ये तारीफ आप सब की थी जिन्होंने दिल्ली में मेरा मान बढ़ाया और जिस प्रकार इंदौर रह रहे उपक्रमों में चाहे स्वच्छता हो प्लास्टिक का हो अन्य जन भागीदारी हो उस क्षेत्र में जिस प्रकार काम कर रहा है मुझे लगता है इंदौर का नाम दिल्ली में गौरव के साथ लिया जाता है और मुझे आशा है कि आगे भी हम सब मिलकर इंदौर के विकास में साथ में काम करेंगे। वैसे सम्मेलन के दौरान महापौर मालिनी गौड़ का रुख भी नरम ही नजर आया क्योंकि ज्यादातर मामलों पर विपक्षी पार्षद बहस में पड़ते नजर आ रहे थे। उनका प्रतिपक्ष नेता का सुझाव अच्छा है, जो पोस्टरों पर प्लास्टिक होता है वास्तव में माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से सिंगल प्लास्टिक यूज के लिए त्याग करने के लिए सभी को कहा है। हम लोगों ने दो साल पहले इंदौर नगर निगम ने दो साल पहले से काम शुरू कर दिया है, चाहे 56 दुकान हो चाहे सराफा बाजार हो या अन्य मार्केट हो हमने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा और सभी लोगों ने इसको अडॉप्ट भी किया है। सभी ने स्टील के बर्तनों या एक्रिलिक के बर्तनों में जो नाश्ता वगैरह कुछ भी देना है वो उन्होंने शुरू किया, तो ये एक अच्छी पहल है। और जिस प्रकार विपक्ष की नेता ने प्लास्टिक के जो पोस्टर होते उस पर बोला तो कहीं ना कहीं मोदी जी का प्रभाव उन पर भी है।
एक एक वार्ड में करीब 100-100 जगह हमने वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया है और इस प्रकार वो काम भी सतत चल रहा है। सिंगल प्लास्टिक यूज़ का काम 2 साल से चल रहा है और अधिक गति से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो पूर्व में माननीय महापौर जी ने ये आग्रह करा था, उसी प्रस्ताव को यहाँ पे उन्होंने सदन के अंदर रखा है और हम खुले मन से उस प्रस्ताव को सब लोगों ने सर्वानुमति से उसको स्वीकार किया है कि चूँकि जितने भी जो अधिकतर यहाँ पर जो 85 पार्षद बैठे हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं, मंत्री प्रतिनिधि हैं, सांसद जी यहाँ पर विराजमान थे और सारे अधिकारी लोग भी यहाँ पर हैं, पत्रकार बंधु भी यहाँ हैं, तो इससे उचित कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता जहाँ पर हम सब लोग मिलकर ये प्रण लें कि हम किसी भी प्रकार का पोस्टिंग होर्डर होर्डिंग जो है, पोस्टर जो है, वो किसी भी प्रकार का, चाहे किसी के जन्मदिन का हो, चाहे किसी की अन्य व्यवस्थाओं का हो, वो शहर में ना लगने दें। शहर को हम किसी भी रूप में बदरंग ना बनाएं और इससे उचित कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने तत्काल उस प्रस्ताव को सदन से सर्वानुमति उसकी दिलाई और उसको हमने इसको स्वीकार करा। इसी तरह निगमायुक्त आशीष सिंह को KBC में विशेष योगदान देने पर बधाइयों का सिलसिला भी चला, जबकि नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम ने आरोपों की झड़ी लगाते हुए निगम प्रशासन की उदासीनता को लेकर अपनी बात रखी। चोर की दाढ़ी में तिनखा, ये परिषद और ये महापौर इस तरह की है कि अपने ही MIC मेंबरों को कभी कोई हक नहीं दिया। कंसल्टेंट को पूरा हक है, कंसल्टेंट को अवार्ड ले जाने का हक है, हर तरह की छूट कंसल्टेंट को दी है। MIC मेंबर यहाँ पर पूरे उनके हक जो हैं पूरे दबा दिए गए हैं। इस तरह की महापौर इस परिषद को मिली है, जिसके आपको सुना होगा आपने कि सभापति महोदय ने उसको यस किया, यहाँ बैठी परिषद को यस किया कि अनेकों जन टीम्स आती हैं पर टीम्स आने के टाइम पर ही यहाँ पर सिर्फ दिखावा किया जाता है सफाई के नाम पे। यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को जीरो और अधिकारियों को हीरो बना रखा है। किसी भी जनप्रतिनिधि से किसी भी तरह का कोई भी काम पूछा नहीं जाता है, चाहे वो स्वच्छता सर्वेक्षण हो, चाहे वो वाटर हार्वेस्टिंग हो। वाटर हार्वेस्टिंग में भी इनको सिर्फ नंबर बढ़ाना है, ना कि शहर को कोई फायदा पहुँचाना है। साल भर के अंदर इतनी घटिया क्वालिटी में इक्विपमेंट हैं और सारे पाइप्स हैं, सारी चीज़ें हैं, जो सिर्फ 6 महीने चल जाए तो बहुत है। अभी मैंने बात रखी है कि जो 15 लाख रुपये आप यहाँ पर बैठ के कर रहे हो, जहाँ की वाइब माइक की व्यवस्था सही नहीं है, जहाँ की बैठक व्यवस्था सही नहीं है, जहाँ हर चीज़ में हमें प्रॉब्लम आती है। आप अभी देखिए, आप बाहर जाके लंच करने के लिए कितनी गुत्थम गुत्था होगी, कौन एक अच्छी महिला जाके वहाँ खाना खा पाएगी? ऐसी व्यवस्था तो हम और कहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्रिलियंट को एक फ़ायदा पहुंचाना, ब्रिलियंट से कोई साठ गांठ करना, ये साफ जाहिर होता है क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं सारी फेल है। विजय मराठे जैसा व्यक्ति जो एक अनुभव के तौर पर शहर के बड़े बड़े काम कर रहा है और उसके काम अधिकतर फेल हो रहे हैं, आप BRTS देख लीजिए, वो भी उनके हाथ का काम है। इस तरह के सारे काम फेल होने के बाद एक अनुभवी व्यक्ति को रखना और एक शैक्षणिक योग्यता वाले इंजीनियर को नहीं रखना, ये साफ जाहिर है कि इनके हाथों शहर सिर्फ बर्बाद होगा। कुल मिलाकर निगम के गलियारों में चुनावी चर्चा के साथ ही परिषद में मुद्दों पर सियासी बहस चली और लगातार विपक्ष के तल्ख तेवर भी गर्माहट का सबब बने। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।